तमाम मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स को वेगीज होम किचन गार्डन में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो कोलियस प्लांट, जैसे आप ये देख रहे हैं, कोलियस प्लांट की कटिंग की प्रोपोगेशन के हवाले से है। मॉनसून रेनी सीजन के एंडिंग मंथ में अगस्त सितंबर में मैंने ये कोलियस प्लांट की कटिंग लगाई थी। कोलियस प्लांट की कटिंग के हवाले से मेरी एक वीडियो YouTube पे अपलोड है, जो मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स देखना पसंद करें देख सकते हैं। और इस वक्त नवंबर का जो महीना शुरू है, और बहुत ही अच्छी हेल्थी ग्रोथ रही इन तमाम कोलियस की कटिंग की। जैसे देख रहे हैं, ये नेस्ले के ये जो योगर्ट है, दही के छोटे छोटे पॉट्स है, इनमें मैंने ये कटिंग्स लगाई थी। तीन कटिंग्स लगाई थी मैंने। ये देखें, बहुत इसकी हेल्थी ग्रोथ रही है। और अब मौसम है, आगे सर्दियों का मौसम भी शुरू होना है। जैसे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स जानते हैं कि कोलियस प्लांट को आप एज ए इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी प्लांट है, लेकिन मौसम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसे मुख्तलिफ जगह शिफ्ट आउट कर सकते हैं। अब इन तमाम कोलियस की प्लांट की कटिंग को मैं नीचे अपने सहन में सीमेंट के पॉट में लगाऊंगा। ना वहाँ ज़्यादा धूप आती हो है, और ना ही रात के वक़्त, क्योंकि सर्दियों पर आगे आनी है। और ओस से बचे, या वो फोक से पौधे बचे रहेंगे, और इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहेगी। और नीचे जो सीमेंट के पॉट में है, इनके जो आगे है काफ़ी बुशी और ये फैले और ज़्यादा ये नज़र आएंगे। तो जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, ये आपको सीमेंट का पॉट नजर आ रहा होगा। इसका तकरीबन जो साइज है, तकरीबन कोई 5 फुट ये चौड़ा है और 2 फुट तक ये ऊंचे हैं। और इसमें सॉइल कॉम्बिनेशन में मैंने मट्टी में गोबर डाल दिया हुआ है, थोड़ी सी रेत है, और पत्तों की खाद पहले ही से मिक्स कर ली हुई है। और ये दो जो कलर्स हैं कोलियस के, मेरे पास 2 कलर्स हैं। ये बड़े बड़े पत्तों वाला ये कोलियस है, ये है, और दूसरा ये रेड कलर है। 2 कोलियस की वराइटीज़ हैं, इनकी कटिंग्स मैंने लगाई हुई थी। अब इनको यहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे। जी मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, बहुत तरीके से आपने ये पॉट से ये जो कोलियस के ये पौधे निकालने हैं, ताकि किसी किस्म के पौधे ख़राब ना हो। ये देखें, ये बहुत किस तरीके से मैंने ये पॉट से निकाले हैं। आप यहाँ से इसमें लगाएंगे। इस कंटेनर में मैंने पहले से ही सॉक करके रख लिया हुआ है, और साइड से ये थोड़ा सा नरम ऊपर से कर लेंगे, ताकि इसकी जो रूट्स की डेवलपमेंट हो। ये मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, इन तीनों ही कोलियस प्लांट की कटिंग को हमने यहाँ सीमेंट के पॉट में लगा लिया हुआ है। 2 ये कलर्स हैं। अब इनमें पानी डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वेगीज होम किचन गार्डन।